कॉइन को एक बार टॉस करने से दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, आउटकम्स दो होते हैं, पॉसिबल हेड या टेल दो होते हैं। कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो दो की पावर दो चार बन जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ को आप जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था जो हमने 7.2 एक्सरसाइज के स्टार्ट में पढ़ा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उस चीज़ की मदद से भी आप इसको चेक कर सकते हो। यानी एक एक्सपेरिमेंट है, यानी एक जॉब है आपकी कॉइन को टॉस करना, तो कितनी पॉसिबिलिटीज, दो, ठीक है जी। दूसरी जॉब जो है वो भी यही है, यानी कॉइन को टॉस करना है दोबारा से, उसकी भी कितनी पॉसिबिलिटीज, दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें चार। तीन बार करना होगा तो दो को तीन बार मल्टीप्लाई कर लो आठ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी देखा जा सकता है, राइट। तो आप ऐसे समझ लें, एक डाई को रोल करना है, कितनी पॉसिबिलिटीज, छः, एक जॉब, दूसरी जॉब फिर हमने उसी डाई को रोल करना है, दूसरी पॉसिबिलिटीज, उसके भी छः, तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स, सिक्स का स्क्वायर 36, आपके पास टोटल आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस के अंदर, राइट जी। तो जी बनाते हैं जी सैंपल स्पेस। हो सकता है यार मुझे ऑर्डर पेयर्स बनाने पड़ेंगे, हो सकता है यार पहली बार रोल करें डाई को तो एक आ जाए, अगली बार रोल करें तो भी एक आ जाए, राइट। हो सकता है पहले एक फिर दो आ जाए, पहले एक फिर तीन आ जाए, पहले एक फिर चार आ जाए, पहले एक फिर पाँच आ जाए, पहले एक फिर छः आ जाए। एक से लेकर छः तक हो सकता था, पहले पहली बार दो आ जाता है, आपको दो के साथ ये सारी लिखनी पड़ती, ठीक हो गया जी। तीन भी आ सकता था पहली बार, तीन के साथ एक, तीन के साथ दो, एंड सो ऑन। तो ये आप देख सकते हैं टोटल ये 36 बनेंगे, ठीक है जी। ये आपके पास आउटकम्स हैं, ठीक है जी। आपको मैं समझा चुका हूँ कैसे कैसे ये बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ एस हमारे पास क्या है जी, 36। पहला पार्ट करते हैं जी, इवेंट जो है उसको मैं इवेंट ए का नाम दे रहा हूँ, और वो क्या है लिखा हुआ जी, 5। क्या मतलब इस 5 का, टोटल इवेंट ए में 5 कह रहा है, तो क्या ये टोटल ऑफ टू स्कोर्स इज 5, राइट। टोटल ऑफ टू स्कोर्स इज 5। तो चलिए जी, क्या मतलब होगा इस बात का, ए के अंदर कौन कौन से आएंगे, यार दोनों फेसेस के ऊपर जो स्कोर आ रहा है उनका सम 5 हो, टोटल का मतलब सम होता है ना, तो सम 5 आप बना लो। यहाँ पर सम 5 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ देखें 1 और 4 को अगर आप ऐड करेंगे तो सम 5 बनता है। मैं फिर बता रहा हूँ, टोटल स्कोर 5 का मतलब क्या है वाला, दोनों फेसेस के ऊपर क्या आ रहा है उनका सम निकालना आपने, राइट। तो एक फेस में एक आ रहा है, दूसरे फेस में, दूसरी बार डाई को रोल किया तो फेस के ऊपर 4 आ रहा है, तो इनका सम 5 बन गया। तो अब 5 के सम वाले फाइंड कर लें, यहाँ पर क्या क्या अगला क्या होगा, 2 के साथ 3, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में 3 के साथ 2 आएगा, ठीक है जी। फिर 4 के साथ 1 आएगा, और इसके अलावा सम 5 की आपको कोई भी और पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आएगी। तो ये कितने होंगे जी, 1, 2, 3 और 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नंबर ऑफ ए इवेंट में कितने 4 एलिमेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ए की निकालेंगे तो क्या निकलेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, 4/36 क्या बन जाएगा जी, 1/9। इस तरह जी बी पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या था जी, सेकंड पार्ट में इवेंट इसको नाम दे रहा हूँ बी का, और इसमें लिखा हुआ 7 मतलब टोटल ऑफ टू स्कोर्स इज 7। तो भैया लिख लो जी, क्या आएगा जी, सम 7 करना है अब आपको। फर्स्ट टाइम आपको 7 सम कहाँ मिलेगा, यहाँ पर 1, 6, 1 के साथ 6, फिर नेक्स्ट 6 के साथ 1, ठीक है जी। और कहाँ मिल सकता आपको सम 7, देख सकते हैं आप, अब 2 के साथ 5, 5 के साथ 2, ठीक है, 4 के साथ 3 और 3 के साथ 4। इनके अलावा और आपको कहीं भी सम 7 नहीं मिलेगा, ठीक है जी। कितने एलिमेंट्स हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 6। चलिए जी प्रोबेबिलिटी बी की निकालनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, 6/36, ये 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट पार्ट जो है वो खुद कर लेंगे।
आपको जुबानी बता देता हूँ मैं, वो क्या है, सम 11 करना है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी आपके पास सम 11 की, कहाँ कहाँ, 5-6 और 6-5, इनके अलावा आपको सम 11 कहीं पर भी नहीं मिल रहा, ठीक है जी। तो 2/36 इसका आंसर होगा, यानी 1/18, ठीक है जी। जी क्वेश्चन 8 है, पढ़ लेते इसको। अ बैग कंटेन्स 40 बॉल्स आउट ऑफ विच 5 आर ग्रीन, 15 आर ब्लैक एंड द रिमेनिंग आर येलो। आ बॉल इज टेकन आउट, आप बहुत लकी हैं, एक बॉल हमने ड्रा करनी है। सैंपल स्पेस बनाना बड़ा ही आसान काम है, राइट। और मेरा नहीं दिल कर रहा कि मैं यहाँ पर सैंपल स्पेस भी इवन बनाऊँ। देखें अब इस क्वेश्चन की नौयत को चेक करें, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता आप काफ़ी काम जो है ना वो काफ़ी स्टेप स्किप करके डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन में आया था 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, तो मैंने G1, G2, G3, G4, G5, R1, R2, R3 सैंपल स्पेस बना लिया, 8 एलिमेंट्स थे यार। अब टोटल कितने, 40 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। 5 ग्रीन को तो मैं लिख लूँगा G1, G2, G3, G4, G5, राइट। उसके बाद 15 ब्लैक को मैं कैसे लिखूंगा, B1, B2, B3, अप टू सोन B, लिख भी सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि काफ़ी हद तक लिखना मुश्किल है और लिखने के बगैर भी चूंकि हमारा काम हो जाता है, तो सम टाइम हम सैंपल स्पेस बनाने की बजाय डायरेक्ट सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो लिख लिया करेंगे, राइट। कैसे, सैंपल स्पेस बना भी लें, बन भी सकता है। जैसे मैं ग्रीन बॉल्स की बात करूं तो G1, G2, सोन G5, ब्लैक बॉल्स की बात करूं तो B1, B2, सोन B15, ऐसे कर सकता हूं मैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फिर भी सैंपल स्पेस बनाए बगैर भी हमारा काम चल जाता है, तो ज़रूरी नहीं है सैंपल स्पेस बनाना, डायरेक्ट सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो लिख लें। एक बॉल ड्रा करनी थी तो सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स उतने ही होंगे जितने आपको नजर आ रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा, दो बॉल्स हमने ड्रा करनी होती तो सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा होते, ठीक है जी। 40 में से दो हमें चूज करनी पड़ती, 40C2। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा आपको इस सिलेबस में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ऐसा मेरा ख्याल है। जहाँ पर आ जाएगा हम उसको देख लेंगे। फिलहाल सीधा सीधा एक बॉल जो है ना वो हमने उठानी है, तो सीधा सीधा नंबर ऑफ एस हम लिखेंगे जी। नंबर ऑफ एस कितने बनेंगे जी, 40 टोटल थे, यूँ समझ लें 40 कम्बिनेशन 1, 40 बॉल्स पर ही एक आपने ड्रा करनी है, राइट, ठीक है जी। इसमें आपके जहन में ये बात भी आएगी, ये परमुटेशन क्यों नहीं, कम्बिनेशन से क्यों भाई, 40 बॉल्स पड़ी हुई हैं, बॉल्स को हमने ड्रा करना है। अब बॉल्स को ड्रा करके हमने उनको अरेंज नहीं करना है, अरेंज करना होता तो मैं परमिटेशन लेता, ठीक है जी। यहाँ पर कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो सम टाइम तो इतना भी नहीं सोचा जाता, सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कितनी बॉल्स थी, 5 आपके पास ग्रीन थी, उसके बाद 15 ब्लैक थी और येलो कितनी थी, रिमेनिंग येलो, बाकी की येलो यानी कि 20 बाकी येलो है, ठीक है जी। ऐसे भी ऐड करके आप 40 बना सकते हैं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चूज वन आउट ऑफ 40 चूज वन, 40 कम्बिनेशन 1 ये था। तो बहरहाल जैसे भी लिखना आपको मुनासिब लगता है लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला पार्ट कर रहे हैं इवेंट, इवेंट ए का मैं नाम दे रहा हूँ, है क्या, कहता है द बॉल इज ब्लैक, द बॉल इज ब्लैक। क्या ख्याल है, क्वेश्चन तो हमने इस टाइप का पहले भी किया होगा। अब इवेंट ए के अंदर, हालांकि मुझे पता है कि इवेंट ए के अंदर क्या आएंगी, ब्लैक बॉल्स में से कोई एक आएंगी। अब ब्लैक बॉल्स कितनी है, भी 15 है ब्लैक बॉल्स, तो वो B1, B2, B3 अप टू सोन B15, इन्हीं में से कोई एक आनी है, आई नो। लेकिन ये लिखने की बजाय अगर आप डायरेक्ट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स आने हैं उनको भी लिख लेंगे, वो 15 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकलेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, तो 15 ओवर टोटल 40 थे। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3/8, ठीक है जी, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें जो इवेंट है उसको हम बी का नाम दे देते हैं, और क्या है जी, द बॉल इज ग्रीन, क्या है जी, द बॉल इज ग्रीन। तो बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ग्रीन बॉल्स कितनी हैं, आप देख लें 5 थी, इन्हीं 5 में से कोई एक ग्रीन बॉल आएगी ना,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें बी की, क्या बनेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, यानी 5/40 यानी कि 1/8। नेक्स्ट तीसरा पार्ट भी है इसका, तीसरे पार्ट में है इवेंट सी बॉल बोल देते हैं इसको, और सी इवेंट क्या है, द बॉल इज नॉट ग्रीन, कहता है द बॉल इज नॉट ग्रीन, भैया बॉल ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो ग्रीन नहीं होगी तो क्या होगी, या तो होगी वो ब्लैक या फिर होगी येलो। ब्लैक को देखें 15 है, येलो को देखें तो वो 20 थी, तो टोटल कितनी हो गई है 35। तो 35 बॉल्स में से कोई एक हो सकती है, तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज 35, और प्रोबेबिलिटी सी की निकालेंगे तो नंबर इन सी ओवर नंबर इन एस 35/40 7/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, और ये बताना आपको ज़रूरी नहीं है, आप समझ चुके होंगे अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ लिखे बगैर आप डायरेक्ट 2-2 सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं। जी क्वेश्चन 9 है, एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, कहता जी 1 चिट आउट ऑफ 30 कंटेनिंग द नेम्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ऑफ 18 बॉयज एंड 12 गर्ल्स इज टेकन एट रैंडम। अच्छा जी, इसमें चिट के ऊपर दरअसल नेम्स लिखे हुए और हमारे पास चिट्स हैं सैंपल स्पेस के अंदर, यहाँ पर भी सैंपल स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमें उस बात से गर्ज है, क्योंकि एक चिट उठाई गई है, यहाँ पर भी एक चीज़ ड्रा की गई है, तो इस वजह से यहाँ पर भी बहुत आसान काम है। तो टोटल 30 हमारे पास थी चिट्स, तो एस बनाने के बजाय डायरेक्ट नंबर ऑफ एस क्या होगा जी, 30C1, जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था ये 30 बन जाएगा। ठीक है जी, इसमें 18 बॉयज़ की चिट्स हैं और 12 जो हैं वो गर्ल्स की चिट्स हैं, और मैंने आपको बताया था आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 18+12 ये बॉयज़ की हैं और ये गर्ल्स की। ठीक है जी, ये 1 किस चीज़ का है मैं दोबारा बताता चलूँ, क्योंकि 1 चिट हमने उठानी थी। तो पहला पार्ट करते हैं जी इसका, इवेंट ए नाम दे रहा हूँ मैं इसको, पढ़ लेते हैं क्या थी, चूजन एंड रैडम जो चिट थी वो कहता है द मोनिटर इज अ बॉय, मोनिटर के लिए हमने वो अपना चिट उठानी थी ना, कि नोमिनेट करना था मोनिटर कौन है क्लास का, उसके लिए चिट उठाई गई थी, तो कहता है द मोनिटर इज अ बॉय, वेरी सिंपल। वो जो चिट है इसका मतलब उसके ऊपर किसी लड़के का नाम होना चाहिए, डेफिनेटली लड़के कितने थे जी, 18 थे, उन 18 में से कोई एक होगा, तो डायरेक्ट हम नंबर ऑफ ए बनाने की कोशिश करते हैं, 18 में से कोई एक आना है, क्या हो जाएगा जी 18, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस, 18 ओवर हमारे पास क्या था जी 30 था। ठीक है जी, इसको आप कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं 3/5, 6 से डिवाइड करके। सेकंड पार्ट में मैं इवेंट बी डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्या है द मोनिटर इज अ गर्ल, बहुत सिंपल सा काम था, द मोनिटर इज अ गर्ल, तो नंबर ऑफ बी डेफिनेटली 12 लड़कियाँ थी, 12 में से कोई भी हो सकता है, 12 बन जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास निकलेगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस 12/30 2/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। जी क्वेश्चन 10, एक्सपेरिमेंट है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 times, वो चीज़ देखें जी, ये पहले आपको मैंने गाइड किया हुआ, एक कॉइन को एक बार टॉस करें, 2 possibilities हेड या टेल, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा लें, 2 बार करेंगे 2 × 2, 3 बार करेंगे तो 2 × 2 × 2, 4 बार करना है 2^4, यानी कि 16 उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सैंपल स्पेस के अंदर 16 एलिमेंट्स हैं, उसको मैंने किस तरीके से बताया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बताया था, लेकिन चलें थोड़ा सा पिछला किया हुआ काम भी रिवाइज कर लेते हैं, इसको एक और तरीके से भी देखते हैं कि सैंपल स्पेस के अंदर 16 एलिमेंट्स कैसे आते हैं। ठीक है जी, सैंपल स्पेस नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स जो हैं उनकी तादाद बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो 4 बार हमने कॉइन को टॉस करना था, उनके रिजल्ट्स आने थे। ठीक है जी, मैं 4 boxes बना रहा हूँ, आपको याद आ रहा होगा कि यार ये काम हम
चैप्टर के स्टार्ट से 7.2 7.3 में ये काम किया था हमने, वहीं से ये चीज़ देखी जा सकती है। तो अब हर एक बॉक्स को हमने फिल करना है। अच्छा, किस किस चीज़ से फिल कर सकते हैं? जो पॉसिबल वेज थे हमारे पास, कॉइन को टॉस करें तो या हेड ने आना था या टेल ने आना था, तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हैं जी? टोटल 2, या हेड या टेल। ठीक हो गया जी। इस बॉक्स के लिए भी 2 वेज ही होंगे, इस बॉक्स के लिए भी 2 और इसके लिए भी 2। तो आप ऐसे भी चीज़ को समझ सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें। दरअसल ये है ही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है। ठीक है जी। तो 16 आपके पास टोटल सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है। पहला पार्ट करते हैं जी। इसमें मैं इवेंट को डिक्लेयर कर रहा हूँ कि इवेंट ए है, जो क्या शो कर रहा है वाला, द टॉप्स शो ऑल हेड्स। अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो इवेंट है, ऑल द हेड्स, सारे हेड्स हो, आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी कि यार सारे अगर हेड हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या है? हेड 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 और हेड। ठीक है जी। लेकिन इसको भी इस वजह से करें तो क्या होगा वाला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ए इवेंट नहीं बना रहे, उस इवेंट के अंदर डायरेक्ट जो एलिमेंट्स की तादाद है वो काउंट कर रहे हैं। तो वही जी, 4 बॉक्स बना लिए। वैसे तो बगैर बॉक्स बना के आसानी से पता लग जाता है एक ही केस है, लेकिन ऐसे चलें, अगर आपको सही समझ आ जाए तो ऐसे बेहतर है। अब हमने इवेंट है कि तमाम हेड्स आने चाहिए, राइट? सारे के सारे इनमें हेड ही आने चाहिए, तो इसका मतलब टेल कहीं भी नहीं आ सकती। तो इस बॉक्स को देखा जाए तो फिल करने का एक ही वे होगा, क्योंकि हेड आएगा यहाँ पर, इसके लिए भी एक होगा, इसके लिए भी एक होगा और इसके लिए भी एक ही होगा। तो इन तमाम को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1:4, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है जी। एक ही प्रोबेबिलिटी निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज इक्वल टू 1 ओवर टोटल दे जी 16, राइट जी। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या करना है? हमने 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, इवेंट बी डिक्लेयर कर देता हूं मैं इसको। इवेंट बी क्या है? द टॉप शोज टू हेड्स एंड 2 टेल्स। इट्स वेरी सिंपल। नंबर ऑफ बी बनाने चाहेंगे, डेफिनेटली आपको 4 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी। और इन बॉक्सेस के ऊपर क्या लिखना है? ये हेड ने आना है या टेल ने आना। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे? अब आपको तादाद दी हुई है, 2 हेड्स आएंगे और 2 टेल्स आएंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि आपने इनमें से 2 बॉक्स में आपने हेड लिखना है और 2 बॉक्स में आपने टेल लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इनमें से किसी 2 में हेड आए और किसी 2 में टेल आए। तो आपको ये काम कैसे करना पड़ेगा? फर्ज कर लें आपने इनमें से कोई से भी 2 बॉक्स चूज करने, इन 4 बॉक्सेस में से कोई से भी 2 बॉक्सेस चूज कर लें। चूज कैसे करेंगे जी? 4 में से कोई से भी 2 बॉक्सेस चूज कर लें। तो ये 4 बॉक्सेस, इनमें से कोई भी 2 बॉक्स चूज कैसे करेंगे जी? 4C2 लिखकर। क्या आपने इन 4 में से कोई से भी 2 बॉक्सेस चूज कर लिए? ठीक है जी, 4C2। अब क्या करना वाला? फर्ज कर लें आपने ये बॉक्स और ये बॉक्स चूज किया, ये 2 चूज कर लिए, और इसमें लिख लिया आपने क्या? हेड्स। ऑटोमेटिकली बाकी में कितने हो जाएंगे जी? टेल्स। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसके कितने केसेस बनेंगे, 4 चूज 2, यही बनेगा 4 चूज 2 6 होता है। एक बार फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ 4C2 क्यों आया। 4 आपने बॉक्सेस बना लिए, अरेंजमेंट इनकी पहले से लगी हुई है। ठीक है जी। अब देखें, 2 हेड्स आने चाहिए, 2 टेल्स आने चाहिए। यार फर्ज कर लो मैं इस बॉक्स में हेड लिख देता हूँ और इस बॉक्स में हेड लिख देता हूँ, इसमें और इसमें हेड, लेकिन मैं इसके साथ इसमें भी हेड लिख सकता था, इसमें भी लिख सकता था, 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। अगर मैं इसको चूज कर रहा हूँ, मतलब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। उसके सिंपल सा वे ये निकाला कि यार इन 4 में से किसी 2 में हेड ने आना है और किसी 2 में टेल ने आना है। तो अगर मैं ये सोच लूँ कि यार मैं इन 4 बॉक्सों में से ना 2 बॉक्स चूज करता हूँ जिसमें मैं लगा लेता हूँ हेड, और ऑटोमेटिकली बाकी जो 2 बॉक्सेस बचेंगे उनमें टेल आ जाएगी। ठीक हो गया। तो मुझे सिर्फ यही देखना है कि 4 में से मैंने कौन से 2 बॉक्सेस चूज करने। डेट्स 4C2 जिसका आंसर 6 होता है।
आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। चार में से दो बॉक्सेस मैंने चूज कर लिए, यार ये चूज किए तो इनमें हेड आएंगे, बाकी में ऑटोमेटिकली टेल। अगर मैं ये दो चूज करूंगा तो इनमें हेड आएंगे, बाकी दोनों में ऑटोमेटिकली टेल्स। अगर मैं ये दो चूज करता हूँ इनमें हेड आ गए, बाकी ऑटोमेटिकली उनमें टेल आ जाएगी। तो मुझे जस्ट फोर में से दो बॉक्सेस को चूज करना था, राइट। तो सिक्स है जी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आपने निकालनी है तो वो होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। क्या बनेंगे जी, सिक्स ओवर टोटल थे जी 16, तो टू पे डिवाइड करके 3/8 आपका आंसर आ जाता है।